श्री कमलनाथ सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है और एक तरह से कहा यह जा रहा है कि झाबुआ उपचुनाव का जो रण है ये आने वाले कल की सियासत की तस्वीर को तय करेगा। आज निर्णायक घड़ी बहुत करीब आ गई है, यानी कि जनता अपने घरों से निकल रही है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। क्या है आखिर वोटर्स के मन में और झाबुआ की इस जंग में बीजेपी ने कितना दम दिखाया है और कांग्रेस ने कैसे पसीना बहाया है, तमाम मसलों पर बात करेंगे और यहां पर एक गर्मा गर्म बहस करेंगे। हमारे साथ इस खास डिबेट में मेहमान के तौर पर मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गोविंद मालू जी। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती अर्चना जायसवाल जी भी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये उपचुनाव आखिर इतना हल्ला क्यों है, क्यों कहा जा रहा है कि ये चुनाव कांतिलाल भूरिया बनाम भानु भूरिया नहीं बल्कि सीएम कमलनाथ बनाम पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान है? किस तरह से इस उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक समीकरणों में फेरबदल देखा जा रहा है? सबसे पहले बीजेपी का पक्ष जानते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं श्री गोविंद मालू जी से। गोविंद जी, क्या कहेंगे, किस तरह से इस उपचुनाव को देखते हैं, कितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने झाबुआ उपचुनाव रण में की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है जी, और नीतियों के आधार पर और अपने जो नियत और हमने जो काम किए हैं उनके आधार पर जनता के बीच में जाकर वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता रहा है जी। कांग्रेस कैसी है, क्या है, ये सारी दुनिया जानती है कि एक क्षत्रप होते हैं, उसके आसपास सब लोग रहते हैं, संगठन जो भी उनका हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम जनता के हित में उन मुद्दों को लेकर इस चुनाव या किसी भी चुनाव में हम जाते हैं, क्योंकि पिछला चुनाव भी हमने विधानसभा का जीता, यहाँ लोकसभा भी हमने जीता और यही कांतिलाल भूरिया के परिवार को शिकस्त देकर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता। और अभी जनता में जिस तरह से कांग्रेस की शासन की तथा कथित उपलब्धियों का जहन में एक जो नकारात्मकता है और जो उनके मन में विषाद है कि ये कहाँ से आए और इन्होंने कैसी हालत कर दी मध्य प्रदेश की, उसका सबसे बड़ा लाभ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चाहे प्रशासन शासन का कितना भी कांग्रेस दुरुपयोग कर ले, एक बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले। कांग्रेस की क्या स्थिति है, श्रीमती अर्चना जायसवाल जी हमारे साथ बनी हुई हैं। अर्चना जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस एक बार फिर अपने परंपरागत चेहरे कांतिलाल भूरिया जी के साथ मैदान में है, किस तरह से ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है सरकार के लिए भी उपचुनाव जीतना? देखिए, विगत 15 सालों से भाजपा थी और अभी जब भी हम लोग आपके जैसे चैनल पर डिबेट हम सुनते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो भाजपा वाले जो तथाकथित जो लोग हैं सारे, वो अपने साथ महीनों की कांग्रेस की गिना रहे हैं कि इन्होंने ये काम नहीं करा। नहीं, हम चाहते थे कि वो अपने 15 सालों में उन्होंने यदि भाजपा ने कुछ करा हो आदिवासियों के लिए तो वो गिनाए। दूसरा चीज, कमलनाथ सरकार जो है वो वादे के प्रति प्रतिबद्ध है, वो वचनबद्ध मुख्यमंत्री हैं और वचनों के हिसाब से जो उन्होंने वचन दिए हैं वो काम कर रहे हैं। आदिवासियों के जितना हितार्थ कांग्रेस ने किया है मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया है। और भूरिया जी, आप चाहें, आपको लगता है कि वो सांसद भी कई बार बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश का मंत्री भी रह चुके हैं, हारना जीतना तो चलता रहता है, परंतु वरिष्ठ आदिवासी चेहरा के रूप में पहचाने जाते हैं पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में। परंतु मैं यदि आप देखें, यदि पीछे नजर डालें तो भाजपा के पास आदिवासी कोई ट्रैवल चेहरा मेरी नजर में तो कोई अच्छा दिखता नहीं है। ये भानु भूरिया भी आप यदि इसके पीछे जाएंगे पास्ट में तो ये भी कांग्रेस परिवार का ही व्यक्ति है। इसके पहले भी जो भूरिया जी चुनाव लड़े थे आपको पता है, जो भाजपा से लड़े थे सांसद के रूप में, वो भी आपको मालूम है कि वो कांग्रेस से आए थे। तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा जो होना चाहिए भाजपा के पास, ऐसा लीडर जो वो है नहीं। किस कारणवश, क्योंकि हमारी चीज सोचा कि जेवियर मेड़ा या कोई भी कारण से, जो उस कारण से पिछली बार चुनाव का जो रिजल्ट रहा कांग्रेस का, पर तो इस बार परिस्थितियां भिन्न है। इस बार मुख्यमंत्री जी ने कहा यदि आप भूरिया जी को जिताते हैं समझिए आपने कमलनाथ जी को जिताया है, कांग्रेस को जिताया है, और मैं यहाँ पर जैसा मैंने छिंदवाड़ा का विकास करा है, जैसा मैं मध्य प्रदेश का करूंगा, वैसा मैं आदिवासियों के लिए काम आपके बीच में आके रहूंगा। और बहुत लोग, क्योंकि मैं भी कई बार चुनाव में गई तो मुझे ऐसा लगा कि जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव है और भूरिया जी आज के नेता नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ट्राइबल्स के लिए दे दी, वो समझते हैं चीज को।
तो अब आने वाले समय बस अब गिनती के 2 या 3 दिन बचे हैं, रिजल्ट मेरे आपके और मालू जी के सामने आ जाएगा कि क्या रिजल्ट है। और आप जो कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने साल आप लोग कर रहे थे, कितने उपचुनाव हुए आपने जीते, तो आपने क्या सत्ता का दुरुपयोग किया था कि जो हम लोगों पे एजुकेशन लगा रहे, हम लोग अपना काम बता रहे कि यदि आपने जिताया तो हमारी सरकार है, हम आपके दरवाजे आके काम करेंगे, चाहे वो हनी बघेल हो, चाहे जितने मंत्री हो, जितने सारे सब लगे हैं वो भी ट्राइबल हैं और सब काम कर रहे हैं। मालू जी क्या लगता है, ऐसी परंपरा रही है राजनीति में, ऐसा देखने में आया कि जहां पर जो राज्य में जिस सत्ता की, जिस पार्टी की सत्ता होती है, अक्सर उपचुनाव वही दल जो है जीतता है, ऐसे में क्या लगता है, क्या कांग्रेस की सरकार है मध्य प्रदेश में, इसका कोई नतीजा जो है, इसका कोई असर जो है झाबुआ उपचुनाव पे आपको बनता दिखाई देता है, या अब भी आपको लगता है कि भानु भूरिया के नाम पर जो पसीना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहाया है। हालांकि ये भी देखने में आया कि शिवराज सिंह चौहान लगातार झाबुआ के कई आदिवासी बहुल इलाकों में घूमे, उन्होंने रात तक कई गांवों में बिताई, क्या उसका नतीजा, उसका कोई असर आपको दिखता है झाबुआ उपचुनाव में? बहन जी जी, आपने जैसा कहा कि सत्ता जिसकी होती है उसके पीछे उपचुनाव चलते हैं, लेकिन ये सत्ता, ये जो किस तरह से हाईजेक करके बनाई गई है, ये अल्पमत की सरकार है जी, मैंडेट पूरा नहीं मिला है कांग्रेस, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन को, 15 साल के विकास के कामों को, योजनाओं को याद कर रहे हैं, इसलिए वो एक सबक सिखाना चाहते हैं कि आपने एक तो लंगड़ी सरकार बनाई, आपने जैसे तैसे सरकार बनाई, और उसके बाद भी जमान जनाभिमुख राजनीति ने करके केवल सत्ताभिमुख और केवल बंदरमाट की राजनीति आप कर रहे हैं, ये जनता के मन में है। कई सारी योजनाएं जो शिवराज जी की सरकार में थी वो सब बंद कर दी गई, और लगभग लोगों को, आप अगर आपके रिपोर्टर्स वहाँ गए होंगे तो उनको पता लगा होगा कि किस तरह से इन्होंने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, इन्होंने डीजल पेट्रोल में 5 रुपए कम करने का वादा किया था वो नहीं किया, इन्होंने स्वयं सहायता समूह के ऋण माफ करने की बात की थी वो नहीं की, केवल कर्ज माफी में जो इनके सिंधिया जी ने कहा थी 50,000 रुपए ही माफ हुए हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर झाबुआ जिले में यहाँ 50,000 से ज्यादा किसान है, कोई भी कर्जा ले सकता है, माफी हुई तो क्या हुआ, लेकिन चुनाव के समय केवल एक ही जिले में, केवल एक ही जिले में उन्होंने ये सारी की सारी फौज कुमुक लगा दी उन्होंने। और जहां तक चेहरे की बात कर रही थी बहन अर्चना जी, मैं कहता हूं हम तो चेहरे की राजनीति करते हैं, हम चेहरे की नहीं करते हैं, हम तो कैसे जनता हमारे सर पर सेहरा बांधे और हमारा नेता कौन होगा इसकी चिंता जनता को नहीं, जनता की चिंता ये रहती कि भारतीय जनता पार्टी का शासन अच्छा चलता है, चाहे कोई भी चेहरा हो, एक अनुशासित संगठन है, एक अच्छा काम करने वाले लोग हैं, ये अगर होता कि वो लोकप्रिय हैं तो उनके लड़के, उनके पुत्र और वो खुद दोनों उपचुनाव, दोनों मुख्य चुनाव लोकसभा और विधानसभा के नहीं हारते, ठीक है ये उम्मीदवार हैं, अपनी बात कहेंगे, हमने भी अपनी बात कही, लेकिन कुल मिलाकर जनता के जहन में ये बात है कि जिस तरह की योजनाएं संबल योजनाओं से लेकर और बाकी जितनी योजनाएं जिनका लाभ अब जनता को नहीं मिल रहा है, और केवल ये कर्ज माफी और उसमें भी ऊंट के मुंह में जीरा जितनी उन्होंने उस समय राशि दी, और जब यहाँ चुनाव थे तो उन्होंने बाकी जिलों की राशि को भी काट के और यहाँ थोड़ी और दे दी, लेकिन उसके बाद भी लोग जानते हैं कि ये प्रलोभन है, इन्होंने केवल झूठा वादा किया है, इन्होंने लोगों को ठगा है, और इसका सबक इस चुनाव में क्या लगता है, क्या काउंटर है आपका तमाम बातों मालू जी जो कह रहे हैं जी। तो हमेशा भाजपा ने सिर्फ वोट की राजनीति करी है, जो मुझे ऐसा लगता है, झूठ बोल के वोट बैंक की राजनीति हम करी है, करी दिखती है वो तो वोट की। और जो कमलनाथ जी सरकार है, कांग्रेस की सरकार जो है, वो उन्होंने बोला कि शिक्षा के लिए, आदिवासियों के लिए हम ये करेंगे, बेरोजगार आदिवासी नौजवानों के लिए हमारी ये योजना रहेगी, जो आप स्वयं सहायता समूह बोल रहे हैं उसका मानदेय दुगना कर दिया गया, चाहे वो महिला ऋण माफ नहीं किया, ऋण माफ कर दिया, ऋण सबका माफ करा, और जो स्वयं सहायता समूह की हमारी जो महिला शक्ति जी, जी। उसका मानदेय आप सोचिए 5,000-5,000 रुपया हो गया, आप चाहे वो हमारी जो बहनें हैं जिनके शादी ब्याह में जो 21,000 देते थे शिवराज सिंह चौहान, जबकि कहते थे मेरी बेटी मेरी बहू और मेरा लाडला मामा, तो वो उसके उनकी शादियों के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने 51,000 कर दिए। ऐसे देखा जाए तो पूरे झाबुआ के ट्राइबल के विकास के लिए, कई शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, रोजगार के लिए, उनके छोटे से छोटे कुटीर उद्योग के लिए भी जो योजनाएं हैं वो चालू की गई, ऐसी कई योजनाएं जिनका कोई लाभ हमारे आदिवासियों को नहीं मिल रहा था, और वो योजनाएं थोड़ी बहुत जो
बंद की गई, परंतु उसके एवज में जो नई योजना चालू की गई बड़े बहुत उसके अलावा कई चीजें चालू कर दी गई हैं जो उनके शैक्षणिक योग्यता को, उनके रोजगार की क्षमता को और ट्राइबल का जो हैंडीक्राफ्ट है उसको आगे ले जाने के लिए और कई उद्योग लगाने के लिए भी जो वहां पर आ रहे हैं लोग वो भी उनको भी आकर्षित किया जा रहा है। निवेश के लिए भी बताया जा रहा है कि झाबुआ भी कितना उपयुक्त जगह है जहां पर कई जगह निवेश बड़े उद्योगपति आगे कर सकते हैं। जो जिस तरह की अभी जो सबमिट हुई और उसका नतीजा ये निकला कि उद्योगपतियों को पहली बार पता चला कि अभी तक जो सबमिट था उसमें सिर्फ अलग तरह की बातें की जाती थी, यहाँ तो मंच पर भी कोई नहीं था परंतु बातें ऐसी थी कि बहुत ऊपर तक गई और लोगों के दिलों तक छू गई। और रही बात झाबुआ चुनाव की, तो झाबुआ में सबने अपनी ताकत पूरी, कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ लगी हुई है। और यदि कोई आप सोचे कि पिछली बार आपने हराया है तो इस बार पिछली बार हो सकता था कि हमारी कुछ खामियां रहे, इस बार गुटबाजी का आलम भी तो रहा, लेकिन अर्चना जी वाकई में यहाँ आप सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी नहीं आए, कितनी बार गए आप खुद ही देख लीजिए, सारे मंत्री वहाँ पर हमारे पूरे लगे हुए, 8 मंत्रियों की सेना थी, प्रभावित करने के लिए थे मंत्री। अच्छा, और आपको जाते हैं आपके लोग काम करने जाते हैं और हमारे लोग जाते हैं शासन को प्रभावित करने जाते हैं, और आपके मेंदोला जी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो वो ठीक रहता है। भाई आप लोगों ने कितनी दादागिरी से चुनाव जीते हैं और लोगों को बरगला के झूठ बोल के और उनके भावनाओं को ध्यान में रख के कैसे उनसे खिलवाड़ कराए वो सबकी नजर में है, इसीलिए आज आपकी सरकार नहीं है। अदरवाइज 15 साल यदि आपने काम किया होता तो आज आपकी सरकार होती। लोगों ने आपको नतीजा बता दिया और आईना दिखा दिया है कि 15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने क्या करा है, किस तरह से बेटियों की हालत हुई है, किस तरह से व्यापम घोटाला हुआ है, किस तरह से अन्य घोटाले हुए हैं। अरे आपकी सरकार 10 महीने में कुछ नहीं कर पाई, 10 महीने में घोटालों की बात करते ही रहना। मेरे ख्याल से आप महीने में गोविंद जी क्या कहते हैं, आप गोविंद मेंदोला जी की जो गिरफ्तारी है, जी आप मुझे बताइए, कहते थे कि भाजपा कहती थी कि आपकी लंगड़ी सरकार है, आपकी 2 महीना चलेगी नहीं, आज 10 महीना होने को आ रहा है, आज इन लोगों का मुंह बंद है, आज इन लोगों का मुंह बंद। गोविंद जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, कामकाज चल रहा है और सरकार ने जो मैग्निफिसेंट एमपी एक बड़ा मंच जो है सजाकर दिखाया, क्या लगता है क्या इसका असर भी इस उपचुनाव में दिखेगा? कर्ज माफी की जिस तरह से बात हो रही है, जो सूची सामने आ रही है जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के परिवारजनों को इसका लाभ मिला है, ऐसे में क्या लगता है मूल बात को अगर देखा जाए, गोविंद जी किस तरह से देखते हैं इन तमाम? देखिए जी, किसान है, कर्ज लेता है, उसमें सब आते हैं, और लेकिन सरकार की योजना केवल भारतीय जनता पार्टी को अलग रख के उसका माफ होगा, ये सी बात मैं समझता हूँ। उन्होंने अपने आप स्पष्टीकरण दिया, इसलिए कांग्रेस भाजपा में कर्ज माफी की योजनाओं को बांटकर नहीं देखा जा सकता है। और जहां तक कानून का काम है, कानून अपना काम करता है और इससे कोई चुनाव पर प्रभावित करने की कोई बात नहीं है। वो वहां के प्रभारी रमेश मेंदोला है और वो वहां से निकल रहे थे और इतने में वो अगर उसको कहीं से इन्होंने झूठ शिकायत करके और उनको कर लिया तो उन्होंने जमानत भी हो गई उनकी, वो कोई विषय ये है कि जनता किस बात से प्रभावित हो रही है। जनता के आपके पास मैग्निफिसेंट एमपी 1 रुपए का निवेश की कोई घोषणा करके नहीं गया, सब आके तफरी करके चले गए, किसी ने 1 रुपए की घोषणा नहीं की। शिवराज सरकार ने तो ये घोषणा ही हुई है, उसको जमीन पे उतारा है, उनको आना ये केवल हाँ हमने तो घुमाने लाए, मध्य प्रदेश घुमाने के लाए, उनको सब मालूम, उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार से पूरी आकंठ डूबी हुई सरकार आईटी के क्षेत्र में क्या करेगी, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में क्या करेगी और फूड के क्षेत्र में हर क्षेत्र में घोषणा नहीं, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हमें पता ही नहीं था इतना अच्छा, और सबने बोला कि कई ने बोला 500 करोड़, कई ने बोला 1000 करोड़ में बहुत सारे उद्योगपतियों से मिली, उनके मन में इच्छा थी कि उनको बोला कमलनाथ जी ने कि आप बताएं क्या प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 उन्होंने कहा ठीक है डन, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आइए निवेश करिए, सारी समस्या हमारी और उद्योग लगाने की जवाबदारी आपकी, आप निवेश करिए, हम आपके साथ हैं, आपको कंफर्टेबल सरकार मिलेगी जहां आपको 10 जगह मुंह देखना नहीं पड़ेगा और कोई किसी को कहीं का पैसा कहीं और समय बर्बाद नहीं होगा, आप बोलिए 1-1 पे आपका काम होगा और 1-1 चर्चा हुई। तो आज पूरे भाजपा वाले में अभी यहाँ मंच आपके सामने बोलना नहीं चाहूंगी, दबे पीछे पीठ पीछे तारीफ कर रहे हैं कि क्या सरकार है, क्या अच्छा काम कर रही है, ये मैं भी धीरे शब्दों में आपको बोल रहा हूं। जी, इस बात से कितना तारुफ रखते हैं आप वास्तविकता से। जो देखिए वो अच्छा काम कर रही है तो लोगों के सब जहन में कि किस तरीके से उल्टे सीधे काम शासन प्रशासन में करवा के कांग्रेस के नेता
कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री किस तरह से अराजकता का माहौल मध्य प्रदेश में है, प्रशासनिक अराजकता है, एक पंगुता है और एक ऐसी पैरालिसिस हो गया है पूरे शासन प्रशासन में कि बेचारे कमलनाथ जी तो इधर हतप्रभ है कि किधर देखूं कि इधर देखूं, कोई योजना का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, क्रियान्वयन नहीं, केवल ये है पहले आरोप लगाओ फिर पैसा खाओ फिर लाओ पैसा लाओ और ऑर्डर ले जाओ, ये पूरे सरकार का एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चला पूरे जब से सरकार बनी तब से आज तक, रोज एक सूची आती है, रोज एक ट्रांसफर की सूची, ट्रांसफर की सूची आएगी, झाबुआ की जनता देख रही है, झाबुआ की जनता ये भी देख रही है कि इतनी योजनाएं बंद हुई और आपने जितनी बात की बाकी योजनाओं की उनका उनका क्या हुआ भाई, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला आपने वहां पर, इन्होंने पेम्पलेट बांटे थे चुनाव में कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम स्व सहायता समूह का ऋण माफ करेंगे, हम ये करेंगे, आपने जो वादे करे वो पूरे नहीं करे, जनता आपसे हमने पूरे करे तभी तो हम जीते विधानसभा लोकसभा हुई, विधानसभा लोकसभा आप लोगों को उम्मीद नहीं थी, कईयों ने गाड़ी में से उन्होंने नेम प्लेट नहीं हटाई, घर के सामने से नेम प्लेट नहीं हटाई, इतना लालच हो गया था, उन्हें समझ गया कि सरकार चली गई। और आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ आज कि भूरिया जी जीतेंगे, भूरिया जी के साथ सब ताकत है और पूरी जो वादे करके आए हैं ऐसा नहीं है कि सारे अकेले भूरिया जी जीतेंगे तो वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है, पूरे बहुत गई प्रचार, पता लगता है कि वो अब तो कांति नहीं चाहिए, अब तो ये वहां माहौल था, आपको तो कांग्रेस सरकार ही नहीं चाहिए, आपको कांग्रेस देश से निकाल रहे थे, आपने बोला कांग्रेस देश से निकलेगी, तीन राज्य आ गए, 24 को दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह चौहान है, उपचुनाव में ये चुनाव कहा जा रहा है कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह चौहान है ज्यादा है, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? ये चुनाव सरकार वर्सेस भाजपा है, सरकार वर्सेस भाजपा में सब आ गए, सरकार वर्सेस भाजपा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, कमलनाथ के चेहरे का कोई भी लालित्य, कोई उनका प्रभाव ऐसा इस क्षेत्र में नहीं है, उनका मैनेजमेंट कि ये कैसे तो भी अफरा तफरी करके हम चुनाव जीत जाएं, बस ये मैनेजमेंट उनका, इसलिए वो सरकार वर्सेस और राहुल गांधी जी भी आए, और जो हमारे आदिवासी हैं भाई लोग हैं बहने हैं उनका जो प्यार मैंने कांग्रेस के प्रति, इंदिरा गांधी जी के प्रति, राजीव गांधी जी के प्रति जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उनको मालूम है कि जो भी हमारा आज तक का विकास हुआ है, जहां हम इस धरातल पे खड़े हैं, वो सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस ने किया है, और आगे भी हमारा कांग्रेस सरकार हमारा भला सोचेगी, क्योंकि वो जो बोलती है वो करती है, भाजपा जैसे वोट लेने नहीं आते हैं, बरगलाने नहीं आते हैं, झूठ बोलने नहीं आते हैं, बयान झूठे बयान नहीं देते हैं, हमारी सरकार ना लूली है ना लंगड़ी है, आप लोग अभी भी अब तो 10 महीने बाद आपको अपने मन में मान लेना चाहिए कि हाँ ये सरकार 5 साल चलेगी, आपने 15 साल चलाई, हमको 5 साल चलाने दीजिए, उसके बाद जनता खुद जवाब देगी, अभी आप हमेशा बोल बोल के अपने मन को खुद को आप लोग तसल्ली दीजिए, शायद आप गिर जाए सरकार, शायद आप गिर जाए सरकार, नहीं गिरेगी, ये कमलनाथ जी मुख्यमंत्री है और वो पल पल की नजर पूरे मध्य प्रदेश पे रखते हैं, उनका मध्य प्रदेश पे वो ऐसा नहीं बोलते मेरी बेटी मेरी लाडली, मेरी बेटी लाडली लक्ष्मी, मैं उसका मामा, वो सब नजरों में सब के ऊपर उनकी नजर है, व्यापारियों पे है, युवाओं पे है, हर जगह नजर है, वो सड़क की हालत आपने गंदा गंदा आपने मैनेजमेंट करा, पेमेंट की हालत ये है कि सप्ताह में पीडब्ल्यूडी के काम करने वाले को पैसा उसके खाते में जाता था, 4-4 महीने हो गए लोग काम करने को तैयार, जगह जगह पूरा शहर खोद के रख दिया, 4-4 महीने यहाँ खोदा वहाँ खोदा वहाँ जाने का पूरा शहर खोदा, और देखिए आप पूरे पूरे मध्य प्रदेश की देखिए आप तो कांग्रेस पार्टी झाबुआ में जीतेगी, भूरिया जी चुनाव जीतेंगे और आदिवासियों का मान बढ़ाएंगे, कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे और कमलनाथ अलविदा कह दीजिए, और भूरिया जी ऐसा तो आप मोदी को अलविदा कह देंगे, नहीं नहीं हम जनता ही कह देंगे तो आप थोड़ी
की तो परंपरा रही है, तो जनता ने भाजपा अलविदा कह दिया करके वो फेंक दिया। चलिए झाबुआ में क्या कुछ होने वाला है इसके लिए इंतजार कीजिए 24 तारीख का, जिस दिन जो है वोटों की गिनती के क्रम के साथ पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और उपचुनाव का जो रण है वो पूरी तरह से जनता जनार्दन के सामने आ जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री कमलनाथ का मैनेजमेंट झाबुआ में चलता है या शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की जो तमाम मेहनत है वो रंग लाती है। झाबुआ की जनता क्या फैसला सुनाती है, इंतजार कीजिए 24 तारीख का और लगातार देखते रहिए एमपी न्यूज पर इसी तरह से उपचुनाव से जुड़ा हर अपडेट। हम अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गोविंद मालू जी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती अर्चना जायसवाल जी। ओवर टू स्टूडियो।